आज की डेट में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला कौन सा बिजनेस है, तो वो है रिटेल स्टोर, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विस में तो आता ही है, और कौन से भी कंडीशन में, इवन इन कोविड-19 आज की कंडीशन में भी इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। 24 आवर्स ये हमेशा ओपन रहते, और साथ में जो प्रोडक्ट यहाँ पे जा रहे हैं उसकी सबसे ज़्यादा अभी बूम है। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर सर्च होने वाला बिजनेस ये है, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि कैसे एक रिटेल स्टोर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे अगर आपने पूछा होगा तो आपको मिनिमम 5 लैक्स, 10 लैक्स, इवन 15 लैक्स का भी इन्वेस्टमेंट का आइडिया आपको बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। लेकिन क्या हम इससे कम भी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है इससे, तो क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप फार्मासिस्ट हैं, नॉन फार्मासिस्ट लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन उनको फार्मासिस्ट यहाँ पे अपॉइंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप टू 3 लैक्स, 2 लैक्स, टू या फिर 5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे हम एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसको सक्सेसफुल भी बना सकते हो। नॉट ओनली कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो, बट ऑल्सो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस फार्मूला बन सकता है। मेडिकल स्टोर ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी लोगों के लिए। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, पूरे डिटेल्स में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में फार्मेसी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। फार्मेसी रिटेल बिजनेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिगिनर के लिए 4 पॉइंट है। उसमें से पहला पॉइंट है लोकेशन। आपका लोकेशन आपको बहुत ही अहम होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स नियर बाय होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जिस एरिया में आप प्लान कर रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है ये भी देखनी बहुत ज़रूरी है। दो तरह के मेडिकल स्टोर्स होते हैं, एक तो हॉस्पिटल्स नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं, सेकंड है ओवर द काउंटर, मतलब जो जहाँ पे हॉस्पिटल्स नज़दीक नहीं होते लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी रहती है, तो वहाँ पे भी मेडिकल स्टोर्स होते हैं। अब दो तरह के लोकेशन में अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। जो ओवर द काउंटर है, मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल्स नज़दीक नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये निर्भर करता है कि आपके एरिया में कौन से मेडिसिन चलते हैं, लेकिन आपको कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं वहाँ पे, साथ में जो रनिंग एलोपैथिक प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा रखने पड़ते हैं, और फिर जेनेरिक आपको जैसे 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 आप इस बिजनेस में आगे जाएंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जेनेरिक रख सकते हैं और मार्जिन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अपना। तो और हॉस्पिटल्स जो रहते हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल नियर बाय हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन रखने पड़ते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्पेशलिटी की बात करेंगे तो स्पेशलिटी में मार्जिन अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये खुद के हॉस्पिटल्स में खुद का ही मेडिकल स्टोर्स डालते हैं, दूसरे फार्मासिस्ट को हायर करके वहाँ पे डालते हैं। तो उसकी वजह से आपको अगर यहाँ पे मेडिकल स्टोर डालना है तो मैं प्रेफर करूँगा जनरल प्रैक्टिशनर को वहाँ पे ही डालिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशली लो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप स्पेशलिटी में डालेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। तो दो तरह के मेडिकल स्टोर से ये मैंने बताया, लोकेशन के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन। अब आप बिगिनर हो, आपको मालूम नहीं कैसे मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहला पॉइंट है कि आप फार्मासिस्ट होने बहुत ज़रूरी है, मस्ट, एक पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं है तो आप कोई फार्मासिस्ट हायर कीजिए, उसके उसके लाइसेंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो साइट रहती है वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो जैसे आपके हर एक स्टेट की अलग अलग वेबसाइट रहती है, वो ऑफिस आपके जो FDA के ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाके आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे तो उसके बारे में बोलते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है आपको आपका फार्मेसी लाइसेंस, आपका PPT लगेगा जो आइडेंटिटी कार्ड रहता है फार्मेसिस्ट का। नेक्स्ट आपको लगेगा उस प्रीमाइसिस का रेंट एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है।
तो आपको फिर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, और आपके एरिया एरिया का एक मैप लगेगा, वो भी आपको अपलोड करना है। फिर आपको फ्रिज लेना ही पड़ता है कंपलसरी, जो इंडेक्स इंजेक्टेबल्स रहते हैं वो आपको प्रिजर्व करने पड़ते हैं, इस वजह से मस्ट है फ्रीज आपको लेना। तो पहली इन्वेस्टमेंट है आपको फ्रीज तो लेना ही पड़ेगा, दूसरी इन्वेस्टमेंट है लोकेशन में शॉप है उसके रेंट, रेंट को भी देखना पड़ेगा। रेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल फॉर्मूला है, जितना आपका रेंट है उतना आपका रोज का एवरेज काउंटर होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। मतलब मान लीजिए 10,000 आपका रेंट है, तो 10,000 आपकी रोज़ का काउंटर होना चाहिए, नहीं है तो आप बनाइए उसको। तो अगर ऐसा है तो आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ, अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, लेकिन एक एलिजिबिलिटी रहती है, रिटेल स्टोर के लिए आपके पास 20 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए। रिटेल स्टोर के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद ये जाएगा FDO ऑफिस के बाद, और उसके बाद वो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे आपके पास। तो उससे पहले आपके पास फर्नीचर भी होने ज़रूरी है। तो फर्नीचर ये एक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको वुडन फर्नीचर या स्टील के फर्नीचर, ये दो ऑप्शन रहते हैं। वुडन फर्नीचर की कॉस्टिंग रहती है मिनिमम 3 लैक्स टू 5 लैक्स, और स्टील फर्नीचर की थोड़ी सी कम रहती है 2 लैक्स टू 3 लैक्स। या आप सेकेंड हैंड भी फर्नीचर परचेस कर सकते हैं। फर्नीचर में आपको अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में करना है तो फर्नीचर मैं प्रेफर करूंगा आपको जितने कम मार्जिन में, कम में मिले वो आप कीजिए, धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, मैंने बताया लोकेशन के बारे में, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, और फिर मैं अभी बात किया कि फर्नीचर के बारे में। अब लास्ट में बात करते हैं स्टॉक्स की, मतलब आपको मेडिसिन कौन से रखने। तो आपने पूरे FDA के ऑफिस ऑफिसर ने आपके विजिट की, और उसके बाद आपको वो लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 3,500 की फ़ीस रहती है रिटेल को, होलसेल के लिए 4,500 की फ़ीस रहती है। तो इसके लिए आपको वहाँ पे फ्रीज के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, फिर आपके फर्नीचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, फिर एप्लीकेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट रहती है। तो ये हो गए मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, तो स्टॉक में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि स्टॉक, अब बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि नए मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी चीज़ें रखें आप। तो उसमें जो जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं एलोपैथिक के, तो वो आप रखिए। बहुत सारे रनिंग प्रोडक्ट्स एलोपैथिक के रहते हैं, जैसे ओमेज हो गया, जैसे जेलुसिल हो गया, जैसे बिकोसुल हो गया, ये मिनिमम मिनिमम प्रोडक्ट्स है जो हमेशा रन करते हैं। और फिर डायबिटिक रेंज में जो USV कंपनी है वो ज़्यादा चलती है, तो वो आप रखिए। उसके बाद सन फार्मास्यूटिकल्स, फाइजर फार्मास्यूटिकल्स, फिर मैनकाइंड के प्रोडक्ट चलते हैं। ये जो प्रोडक्ट है आप वहाँ पे सर्वे कीजिए, और उसके बाद मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एलोपैथी के वो आपको रखने ही है। तो ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में, आपको ये रखने ही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको स्टॉक्स के लिए इंजेक्टेबल्स कौन कौन से, ये आप देखने हैं आपको। उसके बाद आपको OTC मेडिसिन देखना है, फिर जेनरिक देखना है आपको। मैं फोकस कर रहा हूँ, कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना है तो जेनरिक में ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 50-60% मार्जिन यहाँ पर ही रहता है। उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है, पहली बात मैंने जैसे बताया जेनरिक पे ध्यान देना है, फिर सर्जिकल्स में एक ध्यान देना है। ये दो प्रोडक्ट है उसमें अच्छा मार्जिन होता है, तो उसकी वह आपका प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप हॉस्पिटल नियर बाय है तो डॉक्टर को कन्विंस करके जेनरिक प्रोडक्ट्स लिखने को बोलिए। सर्जिकल्स अगर जाते हैं तो सर्जिकल्स अगर OTC है तो वहाँ पर बहुत सारे जेनरिक निकालिए, तभी आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, और जैसे सीजनल आते हैं, जैसे अभी सैनिटाइजर मास्क चल रहा है तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा मार्जिन है। DPCO में प्रोडक्ट आ गए लेकिन फिर भी हेल्दी मार्जिन है अभी भी रिटेलर्स को, तो उसकी वजह से आप ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। अभी मैंने बताया जो इन्वेस्टमेंट लगेगी डॉक्यूमेंटेशन और या फ्रीज की, फर्नीचर की, या आपको प्रोडक्ट्स की, ये मिनिमम 3 लैक्स में हो सकता है ये बिजनेस। आपको फिर करंट अकाउंट निकालना पड़ेगा और रोज के ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। ऐसे करके 3 लाख टू 4 लाख तक मैक्सिमम आप अपना रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैंने अब बहुत सारे वीडियो, जिसमें दो वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वहाँ पे मैंने बताया कैसे हम आप
प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, अपने रिटेल स्टोर को कैसे कस्टमर बढ़ा सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में चाहिए तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, तो वो वीडियो देखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता लगेगा। अगर चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।